देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मुझे ऐसे ही पैसे दे देंगे। पूछो क्या हुआ, उन्होंने मुझे डराया, उन्होंने मुझे डराया, उन्होंने बोला क्या कौन से पुट्ठे पंगों में पड़ गई, दिमाग खराब है तेरा, चुप करके बुटीक कर, ये कोई काम है, धक्के खाने वाले वो काम है, ये तो भिखारियों जैसे हैं, मांगने वाले काम है, लोगों के घर घर जाओ बेफालतू में लोगों से बेइज्जती करवाओ। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं बड़ी जिद्दी हूँ, बहुत जिद्दी हूँ, क्योंकि उस समय मुझे अपनी किसी रिश्तेदार की बात समझ में नहीं आई, मुझे सिर्फ उस समय अगर किसी की बात समझ में आई, मेरे कानों में अगर किसी की आवाज गूंजती थी तो मेरे सीनियर की गूंजती थी, अगर मुझे कोई दिखाई देता था तो मेरा सीनियर देता था, और मुझे एक ही बात समझ में आती थी कि नहीं नहीं मुझे यही करना है, मुझे यही करना है। मेरे बुआ का लड़का मुझे आज भी याद है, लचकानी पिंड है, वहां पे मेरी बुआ जी रहते हैं, मेरी बुआ का लड़का सबसे छोटा, मैंने बोला उसका नाम दर्शन है, मैंने कहा मेरे आप दोनों मिलके भैन भरा कर दें, ते हंस के वो मजाक उड़ा के बोलता है मुझे, कहता कोई गल कोई बात नहीं सुखी तू कर ले, मेरे को तो अगर जिंदगी में जरूरत पड़ी ना मैं तेरे से उधार ले लूंगा। तो पीछे बाबे नानक की फोटो लगी हुई थी, मैंने भी तुरंत नेले पे दल्ला मारा, मैंने कहा बाबा नानक जी मेरी तो पता नहीं कब सुनोगे, बेचारे इस गरीब बंदे की सुन लो, दे दो कभी इसको जरूरत पड़े तो मेरे से आ जा लेने, सच में कभी ऐसा बोलना नहीं चाहिए, हाँ जी कभी भी ऐसा बोलना नहीं चाहिए। और उस बंदे को 4 साल के बाद जरूरत पड़ गई, मैं दरबार साहब अमृतसर काम कर रही थी और उसका फोन आया, मैंने कहा अमृतसर, कहते काम था तेरे तक एक, मैंने कहा बहुत 4 साल से इंतजार कर रही हूँ, बोल बड़ा बड़ा कहता 4 लाख रुपया चाहिए, मैंने कहा 2 दिन के बाद आऊंगी ले जाना। हाँ जी क्या पता बाबे ने तभी सुनी हो, तो मजाक लो, मेरी फ्रेंड मेरी बहुत फास्ट फ्रेंड, मैंने फाइल खोली और उसने फाइल कहती फिल्म देखने चलते हैं, डिनर करने चलते हैं, शॉपिंग करने चलते हैं, पर ये नहीं ये नहीं। कहते कहाँ फंस गई तू, तेरा दिमाग खराब है, मैंने कहा तेरे को क्या पता, तू बता तुमने करना है नहीं करना, तू ये कर ले तू वो कर ले, मैंने कहा मेरे को तेरी सलाह नहीं चाहिए, मेरे को तेरी सलाह नहीं चाहिए, अगर साथ चाहिए साथ दे सकती है तो आ जा, नहीं तो बेफालतू की सलाह देने की मेरे को जरूरत नहीं है। कहती मैं नहीं करूंगी, मैंने कहा डन मत कर, कहती बात तू तो नाराज मत होना, मैंने कहा आज नहीं होंगी बट मेरे साथ एक वादा कर, जिंदगी में जब भी इस इंडस्ट्री में आएगी जब भी काम करेगी तो मेरे साथ करेगी। Yes. उसने बोला वादा तेरे साथ करूंगी, तो कुछ नहीं हुआ, पूछो क्या हुआ, क्या हुआ, 1.5 साल के बाद आ गई, 1.5 साल के बाद मेरी इनकम 2 करोड़ थी और उसकी 2000 थी, क्या फर्क पड़ा। भाई हमेशा बोलते होते हैं, कहते हम तुमको दिलवर क्यों माने, हम तुमको दिलवर क्यों माने, कुछ करके दिखाओ तो जाने, हमारे देखते होते हैं। Yes. हाँ जी वो बोलते हैं देखते हैं। Yes. कुछ वो क्या देखते हैं, yeah. कि आप कौन से झंडे गाड़ने वाले, yes. और जिस दिन आप झंडे गाड़ देते हो तो वो लोग पीछे पीछे होते हैं। Yes. प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है कि हम सिर्फ दिखाने के लिए काम ही नहीं करते, yes. क्योंकि हमें ये लगता है कि कोई कर दे और हम दिखा दें, yes. नहीं कोई नहीं करेगा, राइट। तो बस ऐसे करके फिर मैं फिर मायूस हो गई, मैंने कहा ये तो बड़ा मर्डर काम हो गया, मैंने अपने सीनियर से बात किया, मैंने कहा जी कोई नहीं मान रहे अब, वो तो आगे जो मेरे खास थे, उन्होंने बोला कभी ताश खेली है, मैंने कहा नहीं, कहते देखी है, मैंने कहा देखी जरूर है खेली नहीं करी, कहते ताश के अंदर 52 पत्ते होते हैं, कितने पत्ते होते हैं 52, उसमें 21 दुक्की 21 जोकर भी होते हैं जो हमारे ऊपर हंसते हैं, yes. कहते बट ये भी इतने बड़ा सच है कि 4 बादशाह भी होते हैं, yes. yes. हाँ जी yes. लेकिन वो 4 बादशाह ढूंढने पड़ते हैं, क्या करने पड़ते हैं, ढूंढने पड़ते हैं, क्या करने पड़ते हैं, ढूंढने पड़ते हैं, और जिस दिन तुमने 4 बादशाह ढूंढ लिया तेरी जिंदगी बदल जाएगी। आज फिर वही हुआ, मेरे को 23 लोगों ने मना किया, 23 के बाद मैं 24वें के पास गई तो उसने आधा प्लान सुना और आधा प्लान सुनते उसने मुझे बोला कि तुमने शुरू कर दिया, मैंने कहा हाँ, कहते कितने से किया, मैंने कहा इतने से किया, तो तुरंत उसने अपने बिजनेस बैग में से पैसे निकाले और मुझे, बस वो था मेरा एक बादशाह, सेकंड बादशाह। फिर पूछो क्या हुआ, क्या फिर कुछ नहीं हुआ, फिर मैंने उन्हीं 4 के साथ 40 40 के साथ 400 400 के साथ 4000 4000 के साथ 40000 40000 के साथ 4 लाख 4 लाख के साथ 14 लाख मात्र एंड मात्र 6 साल 9 महीने के अंदर मैंने वहां पे अपने एक्स के अंदर हाईएस्ट लेवल डन किया, सिंगल कमीशन 2 करोड़ 1 लाख। मेरे सीनियर ने बोला सर 8 से 10 साल लगेंगे, तो दोस्तों उस लेवल को मात्र 3.5 साल में डन किया, और 16 लेवल 7 साल की इनकम मेरी वहां से 7 करोड़ थी,
और 13 साल मैंने उस इंडस्ट्री को दिए, उस कंपनी को दिए। 13 साल की इनकम 13 करोड़ थी। 2019 में मैंने वहाँ से ब्रेक लिया। ब्रेक लेने के बाद फिर दोस्तों 18 फरवरी 2020 को मेरी न्यू जर्नी, एक नई शुरुआत हुई, एक नए सफर की शुरुआत की फिर यहाँ से। यस, क्योंकि फिर से चेक करना था कि देखती हूँ वही जज्बा, वही जुनून, वही पागलपन, वही आशिकी अपने काम के साथ, अपने बिजनेस के साथ है या नहीं है। तो दोस्तों फिर से जीरो से स्टार्ट किया। Yes. जीरो से शुरू किया और जीरो से शुरू करने के बाद आज वैदिक के अंदर 16 महीने हो चुके हैं और 16 महीने की इनकम यहाँ से भी 1